गाइस हम लोग इस वक्त ना बाकू ओल्ड सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने टूर गाइड के साथ, और यहाँ हम जिस ग्रुप के साथ आए ना वो है ड्यूलक्स हॉलीडेज। और लिटरली ये सर्विसेज मैं बताऊँ आपको, इतनी वीवीआईपी सर्विसेज इतने। सो गाइस हमारे साथ ये उस्मान साहब मौजूद हैं और ये ना हर जगह मुझे रोक रोक के पिक्चर बनाओ, और पिक्चर बनाने के बाद ना ये भूल जाते हैं कि मेरी पिक्चर लेनी है। अभी मैंने इनके साथ ना ब्लूपर किया, इनको अगर पोस्ट मारो और इनकी वीडियो बना ली। आहा ये होता है व्लॉगर, चेक करें आप। सीन इज दैट गाइस, हम लोग जा रहे थे एक पैलेस में, तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उन्होंने कहा 15 मना, तो अगर हम उसको पाकिस्तानी पैसों में डिवाइड करें तो ये ऑलमोस्ट 1800-1900 रुपीस। तो क्यों ज़ाया करूँ, पिक्चर तो वैसे इतनी हो गई है, व्लॉग मैं वैसे ही बना रही हूँ, तो इससे बेटर ये था कि उधर ना जाऊँ, यहाँ थोड़ी से बैठ के सांस ले लूँ, आराम कर लूँ। तो नाउ आई एम टेकिंग सम रेस्ट, और देख तो लो वीडियो बनी कैसी है। सो गाइस हम लोग यहाँ पे बाकू में मौजूद हैं आज़रबैजान में, और हम ना यहाँ पे विजिट कर रहे थे पैलेस को। तो सीन ये हो गया, जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा डोंट टेक अ पिक्चर, यहाँ पे 15 मनात पे करो, 15 मनात पे करने का मतलब है ऑलमोस्ट 18-19 पी के आर। सो फाइनली डिसाइडेड कि मैं तो नहीं जा रही अंदर, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि हमें अभी मिले 40 मिनट, तो हम यहाँ पे सुकून से बैठेंगे और थोड़ा सा फ्रेश एयर इनको इन्जॉय करेंगे, धूप को इन्जॉय करेंगे, और जो है बस टाइम को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा थक रही हूँ और मुझे आज बहुत घूमना है, बहुत कुछ आप लोगों को दिखाना है, क्योंकि ये चैप्टर्स में ब्लॉग्स आएंगे। तो हम बैठ गए सुकून से थोड़ी देर के लिए और आराम करेंगे, और इतनी देर हम लोगों की पिक्चर्स लेते रहेंगे। अच्छा तो हमने सोचा हम यहाँ आ जाएं, ये कुछ पार्क टाइप है, तो अब मुझे नहीं पता यहाँ मैं घुस तो गई हूँ कि यहाँ भी पैसे हैं या नहीं है। सो बड़े भी खूबसूरत है यार, कितने फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स हैं यहाँ पे, ग्रीनरी कितनी है, लुक एट दिस व्यू गाइस, ओह माय गॉश। तो भाई खुद को कैप्चर करने का तरीकेकार सिर्फ ये है कि ऐसे खड़े हो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो और ऐसे घूमो, और फिर सारा व्यू आ जाएगा। बट उन आने दो, आई डोंट केयर। सो मुझे ना कुछ प्लेसेस दिखे प्यारे प्यारे से, लुक एट दिस, कुछ हिस्ट्रिकल टाइप ना, मुझे इस तरह की चीजें बड़ी पसंद आती हैं। सो हम तो इधर यहाँ बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे और कुछ वीडियोस इसी तरह बनाते रहेंगे, आपको बाकू दिखाते रहेंगे। टेक दिस व्यू गाइस, ओह माय गॉड। तो यहाँ खुद को हम ऐसे कैप्चर कर सकते हैं, तो भाई हम क्या करें, क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, हम खुद को ऐसे कैप्चर करेंगे कि पीछे का व्यू आता रहे। और ये भी कुछ अच्छी अच्छी जगह लग रही है, घूमूंगी नहीं, आसपास ही रहूंगी और आसपास रह के ना यहाँ की जगह को देखूंगी। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद फ्लैट्स वगैरह है, बट इट्स लुक टू प्रिटी। मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रही, ऐसा ना चपेड़ पड़ जाए मुझे। सो अब हम ना थोड़ा बाहर की तरफ निकलने लगे हैं, और हमें उन्होंने कुछ नाम बताया था तो हम उधर जाएंगे। लुक एट दिस व्यू अगेन 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 एंड अगेन, और खुद तो कैप्चर हम ऐसे करेंगे, फिर से ऐसे ऐसे। वो सो गाइस अब हम ना मुझे एक जगह बड़ी पसंद आई, यहाँ पे हमने पिक्चर्स बनवाई, मैंने कपल की भी बनवाई पिक्चर्स, तो ये बड़ा प्यारी जगह लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे पिक्चर्स पिक्चर्स ज़्यादा, आपको पता मैं वीडियोस कैप्चर्स कर रही हूँ, कि चलो पिक्चर ना से एटलीस्ट वीडियोस में तो मैं आ रही हूँ ना, पता चल रहा है मैं बाकी में हूँ। अगेन व्हाट अ प्लेस, ये मेरे मतलब की जगह है लिटरली, तो हम उसको फिर से ऐसे ही कैप्चर करेंगे। और ये लोग कहाँ चले गए, फिर से कहाँ गए,
निकल से नीचे गए क्योंकि यहाँ तो सब बंद है और मैं अकेली हूँ तो भाग ली ना भाग। मिल गए, शुक्र 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 मिल गए। मेरी तो सांसें फुल होने लग गई ना फिर से कि मैं कहीं फिर तो नहीं खो गई। बट फाइन, नहीं कोई मिल गया, मिल गया, मैं सब मिल गया नजर आ गए। हाय, क्या इत्मीनान मिला है बिल्कुल। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटी सीरियसली। कोट्स हैं यहाँ पे, सॉक्स हैं, जैकेट्स हैं। यार ये तो प्यार लग रहा है, बस इस साइज का हो जाऊँ काश। वाओ, दुबला होना ना बहुत ज़रूरी, कभी कभार ना इस चीज़ का एहसास होता है। वाओ, दीज बैग्स आर लव। ब्यूटीफुल, बड़ी खूबसूरत जगह है यार। वाओ, ये यहाँ की ज्वेलरी है, ये भी बहुत प्यारी है। आई जस्ट लव दिस वन एक्चुअली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो, योर शॉप नेम? स्टोक। स्टोक, यू हैव सच अ नाइस कलेक्शन। थैंक यू, इट्स ऑल डिफरेंट डिजाइनर्स बट ऑल It's so I'm from Pakistan. I'm a vlogger. Ah, super. Nice to meet you. Same here. Beautiful thing. Seriously, guys. Bas masla ye hai ki I don't find my size. But wow, these coats are amazing. Caps also. I guess this is God's. Thank you. Welcome. I love it. So she's so pretty and she's such a nice lady. Okay guys, look at this place. Yeah. Oh my gosh. ये आ गए सारे स्नैपचैट वाले, ये होते हैं लड़के जो फिल्टर इस्तेमाल करते। आईफोन होने के बावजूद भी स्नैपचैट के फिल्टर से पिक्चर्स लेनी। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? ये आईफोन वाले, इनको भी स्नैपचैट चाहिए। आ जाओ, मैं अपना आईफोन से पिक्चर लेके दिखाती हूँ। हेलो, आओ आओ। यहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह ले ली और मेरी पिक्चर्स ना बस सो आ रही, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। लेट्स मूव ऑन, आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं बाकू को एक्सप्लोर हम कर रहे हैं। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, ये क्या था? लुक एट दिस, मैंने लिटरली आई जस्ट फॉलिंग लव विद दिस प्लेस और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ पिक्चर लूँ और अच्छी पिक्चर्स आ जाए। सब हम थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे और नीचे उतरने के लिए जंप करेंगे। ओके, मुझे पीछे का व्यू लेना था ना दरअसल, इसलिए फाइनली आई टेक टू और फाइव टिकटॉक्स
और इसके लिए मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने जो लोड हुए साउंड सारे ड्राफ्ट के मैंने वो यूज़ किए वो हो गए। बट सीन इज़ दैट कि हर जगह वो हो भी नहीं रहे ना, बहुत से क्या करूँ, बट इट्स ऑल राइट, कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है ना। तो हम तो ज़्यादा स्लोमोज बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, उन पर ही सॉन्ग शॉन्ग डाल देंगे और यूट्यूब पर व्लॉग तो आप सब देखेंगे। तो गाइस यहाँ का जो टूर था ख़त्म हुआ, अब हम जाने लगे लंच पे और फिर से मज़ा आएगा कि आपकी बहन को कुछ नहीं पसंद आएगा। तो देखते हैं अब क्या है, खाना अच्छा होता है या नहीं। सो स्टे ट्यून, साथ रहें, देखते रहें कि आज लंच में क्या मेन्यू होने वाला है। यार ये बिल्डिंग है या ये कोई ऑफिस है, जो भी है ना बड़ा खूबसूरत है, तो हम इसको ऐसे कैप्चर करेंगे अगेन। तो भाई अब जो है ना हम सन के स्टोर है ये, ठीक है ना, तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं और अब जो है ना हम लंच में जा रहे हैं और अभी मुझे पता चला KFC होगा, तो देखते हैं। आई लव KFC इन मैकडोनल्ड्स, बट लेट्स सी कि यहाँ इससे ज़्यादा बड़ा मेरा मुंह आ रहा होगा। एनीवेज तो हम देखेंगे कि यहाँ का KFC कैसा है। भैया अभी ना हमारे टूर गाइड ने कह दिया फिर से जब वो ये कहते ना डोंट लूज मी, तो ना एक अजीब सी ना फीलिंग आती है, वो फीलिंग ही होती है जब ये किसी ज़माने में बचपन में किसी ने हमें कहा था मुझे खोना मत। सो भाई बाकू में KFC लग रही है भाई थी घर को। सो फाइनली आई गॉट माई सैंड, सो लेट मी चूज माई नंबर, आई गेस दिस वन इज वेरी इजी, या ओके, तो आई गॉट दिस वन। ऐसे है कि आधे घंटे तो ज़्यादा हमें हो गया वेट करते हुए, खाना नहीं आया है और यहाँ पर ना सबकी टाइम टाइम फिश हो गई है भूख से, लेकिन हमें क्या मिला है जस्ट ये, तो खाली पेट तो हम ये पी नहीं सकते और बिना फ्रेंच फ्राइज के हम इसका भी कुछ नहीं कर सकते, तो हम वेट करेंगे कि हमारा बर्गर आ जाए, हम वो खाएंगे। और मुझे डॉक्टर ने इजाज़त दे कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा तुम जितना खाना खाओ इन्जॉय कर कर आओ, भले तुम्हें अच्छा लगे ना लगे हम तुम्हें ओवर डोज देते रहेंगे। ओके फाइन, थैंक यू डॉक्टर। Sorry, I don't know how to. Okay. Okay.
फाइनली हमारा ऑर्डर तो आ गया और अभी से ना हम जो है इसको दूर से देख के इंजॉय करें, क्योंकि हमारा जो टूर गाइड है ना वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉपरली तरीके से। अभी फ्रेंच फ्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बर्गर्स आ गए, बर्गर्स आ गए। फाइनली लंच इज हेयर, के एफ सी इज हेयर इन बाकू अज़रबैजान। तो अब हम जो है यहाँ का के एफ सी ट्राई करेंगे कि भाई कैसा है। फाइन शुगर हो गाइस, वी आर डन विद लंच और अब हम जा रहे हैं बाकू में अज़रबैजान की निज़ामी स्ट्रीट में, सो लेट्स सी कि वहाँ वहाँ क्या है क्या नहीं है, वहाँ हम कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, साथ रहें, देखते रहें। मैंने नहीं लिया, पैसे फिर आए होंगे मेरे। तो भाई लोग वीडियो जो है अब नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी, पार्ट 3 आएगा, तो उसका इंतजार करें। निज़ामी स्ट्रीट का और हमने रात में क्या क्या बाकू में किया, तो स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।